पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत के बाद राजद में मचा घमासान। अकलियत नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला बदस्तूर जारी। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज ने दिया राजद से इस्तीफा। राजद के शीर्ष नेतृत्व पर सलीम परवेज ने लगाए गंभीर आरोप। अपने छपरावास से की राजद से इस्तीफे की घोषणा। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत के बाद राजद में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसके साथ ही बिहार में एक के बाद एक अकलियत नेताओं का राजद से इस्तीफा देने का सिलसिला भी जारी है। छपरा में भी राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सलीम परवेज ने राजद नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत के बाद जब उनका बेटा ओसामा साहब अपने पिता के शव को प्राप्त कर अपने पैतृक गांव में ले जाने की मांग की तो उसकी मदद में राजद का कोई नेता, यहां तक कि दिल्ली में मौजूद लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती ने उनका साथ दिया। उन्होंने मांग रखी कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन की मौत की न्यायिक जांच की जाए ताकि सच सामने आए। सलीम परवेज के साथ युवा राजद के छपरा नगर अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ खान, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष अब्दुल फारूक राइन, युवा राजद के जिला महासचिव सरवर हुसैन, प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सह मीडिया प्रभारी नदीमुल होदा ने भी अपने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दी। सलीम परवेज ने कहा, ईद के बाद प्रदेश स्तर पर जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन की मांग रखते हुए आंदोलन किया जाएगा। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। पहले तो मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगा कि मेरे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। आज जिस बर्निंग इश्यू पे हमने आप सबको बुलाया वो ये कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर थे और उस कद्दावर नेता के साथ जो हुआ कि वंडर वर्ल्ड को लोगों ने एम्स में भेजा और आरएसएस का जो नाम दिया हुआ है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल उसमें जो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को भेजा गया। उनकी तबीयत ठीक थी, उनकी आरटीपीसीआर जो है वो निगेटिव आई और उसके बाद से एक दिन में ओवरनाइट जो है उनका ब्रूटल मर्डर किया गया। उनकी मौत खैर हम लोग के बीच तो नहीं रहे लेकिन उनका ब्रूटल मर्डर हुआ है और ये सोची समझी साजिश के शिकार हो गया वो। और मैं इसकी न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के जज के गाइडलाइन पे और उनके निगरानी में उनकी जांच की मांग हम बिहार के महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्र के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि उनकी उनके साथ में न्याय दिया। दूसरी सबसे वैवाही तो हुआ लेकिन उनकी अंतिम जो ख्वाहिश थी कि अपने वालिद के बगल में हम आराम करेंगे, सांस ही मुझे हरा सकती है, जमहूरियत नहीं हरा सकती है, ऐसे मौके में जो है वो उनके डेड बॉडी को नहीं लाना ये साबित करता है कि सिस्टम ने उनको सिवान से या सारण से या बिहार से अलग कर दिया। और जबकि अहमद पटेल जी का भी कोरोना पॉजिटिव से हुआ था और ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हो गए और उनके पैतृक निवास उनको भेजा गया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व जो है जो लोग वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हुए थे, क्या उन लोगों की ये नैतिकता नहीं होती है कि उनकी मोहतरमा हिना शहाब के आंसू को पहुंचा जाए? मैं तो बहुत खुले लफ्जों में बोलता हूं कि तेजस्वी जी को जाना चाहिए था, मीसा को जाना चाहिए था। वो लड़का अकेले 25 साल का लड़का रोड पे भटक रहा है, ये संभावना और ट्वीट करने से नहीं होगा। इस तरह से रघुवंश बाबू चले गए बेइज्जत होकर के, जिस तरह से पूर्व अध्यक्ष कुर्वे जी के साथ जो हो रहा है, जो शहाबुद्दीन साहब के साथ हुआ, रूपेश सिंह का मर्डर हुआ और आप उसके घर चले गए, संजय यादव का हुआ आप पूरा काफिला के साथ गए, आपके जितने भी लोग थे जितने भी आप खुद आपको जाना चाहिए था। हम जानते हैं लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है या रावी जी उनके साथ हैं लेकिन ये दोनों लोग नहीं जाकर भी ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला जरूर है। ये मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे दुख के घड़ी में 2020 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, वो मेरे छोटे भाई तुल थे, मेरे एक अच्छे दोस्त थे और राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता थे। 1995 में और 2000 में अपने बलबूते पे
राष्ट्रीय जनता दल को फिर से सिंहासन पर बैठाया रावी देवी को और लालू यादव को, उस शख्स के साथ ऐसा जब हो सकता है तो आम जो छोटे कार्यकर्ता है, जो छोटे पदाधिकारी हैं, उनके साथ क्या होगा। इसलिए मैं बहुत आक्रोश में हूं और इस आक्रोश में मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष और उसकी प्राथमिकता जो उसकी सदस्यता है, प्राथमिक सदस्यता है, उससे मैं त्याग पत्र भेज दिया हूं। और आप लोगों को भी मैं बोलूंगा कि जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन के लिए अपनी आवाज उठाइए। मैंने तो एक सिर्फ दो पंक्ति कह दूंगा कि जो लोग आज उनके जनाजे पे नहीं गए 5 किलोमीटर की दूरी पे, याद करें वो दिन लोग। और दो पंक्ति मेरी आप लोगों के लिए है कि मेरे दम पे मसनत पाने वाला, मेरे दम पे मसनत पाने वाला हमेशा कज अदाई कर रहा है। 1995 में और 2000 में उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को फिर से सिंहासन पे बैठाया, आज उन्हीं का मौत का सौदा कर लिया लोगों ने। मुझे ऐसे पार्टी में नहीं रहना है, क्योंकि कल अगर मेरे साथ या किसी छोटे से छोटे पदाधिकारी के साथ कुछ होता है तो ये लोग मुंह मोड़ लेंगे। इससे बेहतर है कि वक्त से पहले हम सब लोगों को, बिहार के उन तमाम मुसलमानों को जग जाना चाहिए कि जो वक्त पे अगर अपने रहनुमा को, अपने कदावर नेता को, उसके लाश पे जो घिनौना खेल खेला गया वो उसका जवाब देना पड़ेगा। चाहे जो लोग भी बड़े लोग बैठे हुए हैं, जहां पर भी मेरी आवाज उन तक पहुंच जाएगी, उन लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि फूस का घर है, तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, आगे अगला नंबर आपका है। मैं यही कह के आप लोगों का धन्यवाद दूंगा। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।